नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। हैदराबाद का नाम सुनते ही जहन में कई चीजें घूमने लगती हैं। हैदराबाद का चार मीनार, हैदराबादी दम चाय, हैदराबादी बिरयानी और हाँ, ओवैसी ब्रदर्स भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के अलावा हैदराबाद की एक और पहचान है और शायद वही हैदराबाद की असली पहचान है, मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के आखिरी निजाम, जिनकी दौलत को लेकर लंदन की कोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुकदमा चल रहा था। ये मुकदमा था मीर उस्मान अली खान की उस दौलत को लेकर जो उन्होंने ब्रिटेन के नेट वेस्ट बैंक में जमा कराई थी। आज की तारीख में उस दौलत की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। लंदन की कोर्ट ने इस मुकदमे का फैसला भारत के हक में सुनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 300 करोड़ रुपए हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के लिए वैसे ही थे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हैदराबाद के निजाम के पास दौलत का भंडार था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि निजाम अपने बेशकीमती हीरो को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के पास करीब 230 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जिस वजह से उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हुआ करता था। हैदराबाद के निजाम की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नोट को चूहों ने कुतर दिया। मीर उस्मान अली खान ने 1911 से 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया। जैसा कि पहले ही बताया कि उनके पास इतनी दौलत थी कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम शुमार था। दौलत के इस अपार भंडार की हिफाजत ठीक से नहीं हो पाती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक बार 9 मिलियन पाउंड के नोट अपने तहखाने में रखे थे जिन्हें चूहों ने कुतर कर खराब कर दिया था। जैकब डायमंड, इसी तरह उनके खजाने में बहुत सारे जवाहरात थे और इन जवाहरातों के कलेक्शन में शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर एक 185 कैरेट का हीरा भी था जिसका नाम जैकब था। इस जैकब हीरे की कीमत 900 करोड़ रुपए है और फिलहाल इसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास है। जैकब हीरे और इसके नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान पाशा ने इस हीरे को जैकब नाम दिया था। उन्होंने इस हीरे को जैकब नाम के एक व्यापारी से खरीदा था, जिसके बाद उन्होंने इस हीरे का नाम जैकब रख दिया। मीर उस्मान इस हीरे को अपने पेपर वेट के तौर पर काफी वक्त तक इस्तेमाल करते रहे। इस हीरे को सिर्फ जैकब ही नहीं बल्कि इंपीरियल, ग्रेट व्हाइट और विक्टोरिया डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। जैकब डायमंड साउथ अफ्रीका की किम्बरली माइंस में मिला था, जिसका वजन तराशने से पहले 457.5 कैरेट था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान खान अपनी दौलत को लेकर काफी डरे हुए थे। उन्होंने अपने महल के बगीचे में तिरपाल लगवाया था जिसके नीचे लौरियां रखी हुई थी। इन लौरियों में अनमोल जवाहरात और सोने की सिल्लियां रखी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो चाहते तो इन लौरियों को लेकर फरार हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इन सभी लौरियों को वहीं पड़े रहने दिया। ऐसा नहीं है कि इन लौरियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। इन लौरियों की हिफाजत में करीब 3000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मीर उस्मान के पास करीब 100 मिलियन पाउंड के सोने के गहने और दूसरे धातुओं के गहने करीब 400 मिलियन पाउंड के थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनका मोह इस दौलत से खत्म हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी अलमारियों में बेशकीमती कपड़े मौजूद होने के बावजूद वो खुद के बुने मोजे और फटे कुर्ते सिलकर पहनने लगे थे। आलम यह था कि वो कई दिनों तक इन कपड़ों को बदलते तक नहीं थे और महल के एक साधारण से बरामदे में सोते थे। बैंक में जमा कराए पैसे। 1947 में देश को आजादी मिली और इसी दौरान भारत में रियासतों का विलय जारी था। हैदराबाद उस वक्त भारत के साथ नहीं आना चाहता था। इसी दौरान हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1948 में करीब 1,07,940 पाउंड और 9 शिलिंग को ब्रिटेन में जमा कराया था। निजाम ने अपने वित्त मंत्री के जरिए ब्रिटेन में उस वक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह को सुरक्षित रखने के लिए दिया था। उसी वक्त से ये पैसे नेटवेस्ट बैंक PLC के उनके खाते में जमा है। अब ये रकम बढ़कर 300 करोड़ के करीब हो गई है।
निजाम की लाख ना नुकुर के बाद आखिरकार हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। विलय के बाद 1950 में मीर उस्मान खान ने इस रकम पर अपना दावा किया, लेकिन हबीब रहमतुल्लाह ने पलटी मारते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे पाकिस्तान की संपत्ति बता दिया। साल 1954 में निजाम उस्मान अली खान और पाकिस्तान सरकार के बीच इस रकम को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हुई। निजाम ने ब्रिटेन की हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पाकिस्तान ने सॉवरन इम्यूनिटी का दावा कर दिया, जिससे केस की प्रक्रिया रुक गई। साल 2013 में पाकिस्तान ने बैंक में जमा रकम पर दावा करके सॉवरन इम्यूनिटी खत्म कर दी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। इस लड़ाई में निजाम के पोते मुकर्रम जाह और मुफखम जाह ने भारत सरकार से हाथ मिला लिया। हाल ही में आए फैसले में लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि बैंक में जमा पैसों पर सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान का हक था और ये रकम अब उनके उत्तराधिकारियों और भारत सरकार को मिलेगी।